अम्मा बहना पे आए हैं, बाप भाई पे आए हैं, लेकिन आज तक हम सास बहू पे नहीं आए। और अंकिता की सास को देखने के बाद ना मेरे को बड़ा जोर का मन कर रहा है कि ये वीडियो बने, और मेरे को ही नहीं बहुत सारे लोगों को मन था कि मैं ये वीडियो बनाऊं। तो गाइस पेश है आपके लिए खास अंकिता की सास पे वीडियो। और बहुत सारे लोग को अंकिता की सास पे गुस्सा आ रहा है, लेकिन सच बताऊं मेरे को पता नहीं क्यों ऐसे कैरेक्टर अच्छे लगते हैं। अगर तुम ऐसे कैरेक्टर को टीवी सीरियल्स में लाने लगो ना, मैं टीवी सीरियल देखना स्टार्ट कर दूं वापस से। क्या मजेदार सास है यार वो। मेरी एक दोस्त है, उनकी मम्मी डिट्टो ऐसी ही है, और मैं उनसे खूब लगती हूँ जब हम लोग मिलते हैं। लोगों को ये डेमोनिक लग रही होगी, लेकिन तुम सोचो ना कोई कितना भोला हो सकता है कि अपना मन के इंट्रोसिव थॉट्स को ऐसे जीतने दे और इंटरनेट पे सोशल मीडिया पे हर जगह बता दे कि भाई ऐसा ही है, ये ऐसी है मेरी बहू। मैं तो चाहती ही नहीं थी इन दोनों की शादी हो, हमारा लल्ला उसके पीछे पड़ गया। अच्छी है लेकिन अभी थोड़ा दिख नहीं रहा है अच्छाई। समझा के आए कि बेटा जितने दिन बचे हैं थोड़ा बाहर अच्छाई की प्रतिमूर्ति बन जा। कि जिस तरह से अंकिता ने विक्की पर हाथ उठाया, आपको क्या लगे जायज है नेशनल टीवी पर? बिल्कुल भी नहीं है भाई, हम भारत में रहते हैं, यहाँ तो पति को देवता समझा जाता है, और फिर वो तो तुम्हारा पति सचमुच देवता है, देवता है, देवता है, अब तुम उसको मार रही हो यार। अगर बात की जाए कि अंकिता की शादी हो चुकी है, लेकिन कहीं ना कहीं बिग बॉस में कई बार हमने ना सुशांत का नाम लेते सुना हुआ है, तो ये खुद ले रही है, क्या रीजन क्या है, क्या ये भी एक प्लानिंग है? मैम सिंपैथी जता रही है ऐसा लगता है। मेरे को बड़ा गुस्सा आता है यार ऐसे लोगों पे जो लोग मतलब ठीक है यार, यू नो माय लव फॉर सुशांत। लेकिन रिपोर्टर को तुम देख रहे हो, ये जो साउंड इफेक्ट पीछे ऐड हुआ ऐसे नहीं हुआ है, ये रिपोर्टर के बदौलत ऐड हुआ है, उसने आग में घी डालने का काम किया है। जानबूझ के ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछे है ना कि चाह के भी चुप ना रह पाए सासुमा। आज तो ऑडियंस को एंटरटेन मैं करूंगा, मैं लिखूंगा सबसे ढासू स्क्रिप्ट पति को देवता। भाई मैंने तो बहुत ही ऑपोजिट एग्जांपल्स देख रखे हैं अपनी जिंदगी में, ऐसे एग्जांपल्स कि मैं सोच चुकी हूँ मैं शादी नहीं करने वाली हूँ। अगर ऐसे पतियों को लोग देवता बोल रहे हैं तो फिर सास क्या हुई, नाग देवता? देखो गाइस वैसे तो हमने जर्नलिज्म करा है, लेकिन अगर हम लॉयर की नजर से देखें तो अंकिता और विक्की का डाइवोर्स पक्का है। किसी ने कहा वाइल्ड कार्ड में एंट्री हमारी, हमने कहा भैया माफ कर दो वाइल्ड कार्ड। जिस दिन तुमने लात मारी थी ना, पापा ने तुरंत तुम्हारी मम्मी को फोन किया, तुम अपने पति को ऐसे ही लात मारती थी। मम्मी को फोन करने की क्या जरूरत थी, मेरी माँ की मतलब सोचो, अभी मेरे पापा की डेथ हुई है मम्मा, मेरे मम्मी पापा को मत बोलो प्लीज। नहीं लेकिन ये चीज तो मतलब मुझे भी खराब लगी थी, ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन बोली है यार वो। पता आजकल के बच्चे ना, ज्यादातर बच्चे भोलापन को ऐसे डिमोनिक से ऐसे सोचते कि नहीं ये हरामी आदमी है, क्योंकि भोले लोग बोल देते हैं यार मुंह पे जो मन में है वो। अभी देखो अंकिता की सास ये नहीं भी बोल सकती थी कि हमने फोन किया या जो भी, बट बोल दी वो। वैसे तो नहीं करना चाहिए था, गलत चीज है ये, बिल्कुल गलत चीज है, लेकिन ऑडियंस बिल्कुल ऐसे हो गई कि अंकिता की सास इज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ हरामन सास। मेरी ऐसी क्या गलती होगी कि मेरे लिए इतने क्वेश्चन घर के लोग उठा रहे हैं, मुझे बहुत चीजें बोली। तो अभी ना उसको छोड़ दे। देखो एज अ बिग बॉस ऑडियंस जो कि रील से बिग बॉस देखता है, मुझे लगता है कि विक्की सच में बहुत रूड है अंकिता से। बाकी अंकिता तो ऐसे करके बोलती ही रहती है यार ऐसी क्या गलती हो गई मम्मा, जो मतलब मुझ पे इतने क्वेश्चंस क्यों कर रहे हैं ये लोग। मुझे पता है बहुत सारी चीजें अंकिता भी करती है, और अभी रिसेंटली उन्होंने जो मनारा के लिए किया है कि वो अपनी खुद की औलाद है या नहीं, ये सब चीज, ये सब चीज तो मतलब मुझे बहुत गंदी लगी। लेकिन सिर्फ हस्बैंड वाइफ वाला मैटर देखा जाए तो विक्की भैया सही में अंकिता से अलग ही रहते हैं, पत्नी जैसा ट्रीट ही करते हैं, बहुत रूड रहते हैं, और आयशा जब थी तो पत्नी जैसा ट्रीट उसको ही कर रहे थे। किसी ने कहा वाइल्ड कार्ड में एंट्री हमारी, हमने कहा भैया माफ कर दो वाइल्ड कार्ड। मुझे सच में लगता है कि मतलब पेरेंट्स को भी एक वाइल्ड कार्ड की तरह कभी ना कभी तो बिग बॉस में लाना चाहिए, इतना मजा आएगा ना देखने में। अभी तुम समझ के डैडी को देखे क्या कूल है वो, ईशा के पापा भी मच्योर येट फनी थे, और अभिषेक की मम्मी भी बहुत प्यारी थी। वैसे ही अगर इनको भी ला देते ना भाई बिग बॉस में, जो लोग गए हैं ना उनसे ज्यादा इंटरटेनिंग तो उनके मम्मी पापा लग रहे थे। अरे वो जितनी आज तक की टिपिकल सास थी उनके साथ हमारी फोटो लग गई, हमको बहुत ही गंदा लगा देख के, क्योंकि हम वैसे हैं नहीं है ना, जबरदस्ती एक शब्द बोलने पे इतना ट्रोल कर रहा हुआ। आंटी वैसे एक बात बताऊं, आप बहुत अच्छा एक्टिंग कर सकती हैं, कभी एक्टिंग करना चाहेंगी? क्योंकि आप बहुत अच्छी लगती हैं मतलब एज ऑन कैमरा।
अभी तक कभी की नहीं है भाई एक्टिंग, ना हमारे घर से कोई परमिशन देगा। लेकिन आप अच्छी एक्टर है, अगर आपको मौका मिले तो करना चाहेंगी? टिपिकल सास का ही? नहीं नहीं नहीं, सास का तो कभी करेंगे ही नहीं हम। फिर तो हीरोइन बनेंगे? हीरोइन बनेंगे क्या यार, रोमांस करेंगे तुमने रिपोर्टर को देखा फिर से? उसने मुंह पे ही बोल दिया कि आप एक्टिंग बड़ी अच्छी करती करेंगी। वो विक्की से ज्यादा फेमस तो उसकी मम्मी हो गई बे, तुम देखो खुद ही देख लो। पहले मुझे लगता था कि ये टीवी में ज्यादा ओवर रिएक्ट नहीं करते, ये सास का जो इमेज दिखा रहे हैं बड़ी बिंदी टिपिकल साड़ी एकदम अच्छे से पहनना बोलना, हमारे घर वाले हमको परमिशन नहीं देंगे तो हम तुमको परमिशन नहीं दे सकते। मुझे लगता था ये सब थोड़ा एक्स्ट्रा हो रहा है, क्योंकि मतलब हमारी दादी जी थी नहीं और हम लोग थोड़ा अलग रहते थे, तो मैंने देखा नहीं है मम्मी और दादी जी को कभी ऐसे, और मम्मी के पास हमेशा तारीफ ही रहती है दादी जी के लिए, तो मतलब मेरे को लगता था शायद ऐसा तो नहीं होता होगा। लेकिन विक्की की मम्मी को देखने के बाद बड़ी बिंदी भाई, वैसे ही साड़ी एकदम और वैसे ही शब्द बोलना, फिर मेरे को समझ आएगी ये जो स्क्रिप्ट लिखते हैं टीवी सीरियल्स वाले ये लोग गलत नहीं है। इट्स ऑलवेज अ बड़ी बिंदी वाली, इट्स ऑलवेज समवन जो बोलती है कि मेरे घर पे हमको नहीं मिला तो हम तुमको क्यों दें। मुनव्वर और अंकिता की दोस्ती के बारे में क्या कहें? हमें अच्छा नहीं लगता देख, मालूम था मेरे को। और मनारा और विक्की की दोस्ती पे अंकिता को आपत्ति है ऐसा हमें दिखाई दिया। विक्की की इतनी दोस्ती विक्की कहीं रखते ही नहीं कि वो कहीं लटक जाएगी किसी। भाई कसम से मैंने ये वीडियो पहले नहीं देखा, लेकिन मैं 100% श्योर थी कि विक्की के टाइम बोलेगी, ऐसा हो ही नहीं सकता कि विक्की लटक जाए कहीं। अब वही बोल रही है ये, और अंकिता के टाइम पे हमको अच्छा नहीं लगता है। लेकिन लोग समझ नहीं रहे हैं, ये सिंपल माइंडसेट है भाई। ज्यादातर लोग अभी तक मतलब औरतों को ऐसे जज ही करते आए हैं उनकी दोस्ती को लेके, या लड़का लड़की दोस्त नहीं हो सकते हैं, विच इज ट्रू वाली चीज को लेके। लेकिन जब ये बोल रही है तो मतलब लोग को लग रहा है बहुत चढ़ रही है अंकिता पे। एक्चुअल में गलती विक्की की है, जो भी अंकिता के साथ बुरा हो रहा होगा इनकी तो नहीं है, लेकिन इनका पॉइंट जरूर गलत है कि विक्की ऐसा हो ही नहीं सकता कि कहीं लटक जाए। मनारा और विक्की का तो मैंने ज्यादा नहीं देखा है, लेकिन आयशा और विक्की का जरूर। भाई एक बहुत ही फन फैक्ट बताता हूँ, आज के एपिसोड के अंदर विक्की जैन ने एक टी शर्ट पहनी थी लुई विटॉन की फुटबॉल जर्सी, उस फुटबॉल जर्सी का रेट कितना होगा जरा सा एक बार कमेंट करो भाई। तो उस जर्सी का मैंने सोचा कि यार लुई विटॉन की एक जर्सी है तो उसका मैंने रेट चेक किया, और ऑनलाइन उस जर्सी का जो रेट था विक्की जैन की एक टी शर्ट बेसिकली का रेट आया है भाई 2.5 लाख रुपए, 2,52,000 रुपए उसका रेट है उस लुई विटॉन की टी शर्ट का। आप समझ रही हो, आप समझ आ रहे हैं अंकिता क्यों सह रही है, आप समझ आ रहे हैं अंकिता ने विक्की से शादी क्यों करी। अब एक मुनव्वर सुनो हमारे लिए, अच्छा वाला सुना ना, कि दुनिया में जन्नत जैसी और कोई चाह नहीं, ठोकर बिना ले चले मंजिल वो राह नहीं, बिना मतलब खैर नहीं पूछती है पूरी दुनिया, क्योंकि ये दुनिया है तेरी मां ने मेरी नजर। मुनव्वर देखो लेकिन टैलेंटेड तो है, जो भी करे बंदा जैसा भी कैरेक्टर, लेकिन टैलेंटेड तो है भाई मुनव्वर। राम जी के बारे में बोल के गलत करा था, लेकिन इसने भैया तो लटक गए आयशा के पीछे। और आयशा क्या विक्की भैया मेरे को लगता है अपना सारा अटेंशन सबको दे देते हैं, सबको, ईशा अच्छी है, खानजादी सुंदर है, मनारा अच्छी है, आयशा तो इससे तो मैं कनेक्ट में रहूंगा, सना का हाथ पकड़ना, मतलब वो अपना सारा अटेंशन सारी और लड़की को दे देते हैं अंकिता को छोड़ के। मुन्ना ऐसे ही लेटा रहता टीवी में रोज देखते, उठ जा उठ के बैठ ना भाई, स्टैचू बना क्या ऐसा लग रहा है स्टैचू। अरे हाँ वो बोला ना सब फ्रीज है, आओ आप। अच्छा इसीलिए, सॉरी सॉरी। देखा उनको ये भी नहीं समझ आया था यार, वो है एंटरटेनिंग मस्त है यार, क्यूट लग रहा था यार, यहाँ पे ऐसा लग रहा था जैसे वो गिलहरी नहीं होती ऐसे चमक जाती एकदम पत्ती हो बीच में, ऐसा लग रहा। बता रही हूँ गाइस, ही इज द काइंड ऑफ गाय हु चीट्स, ठीक है, इसको देखो तुम लोग टीवी पे और समझो इनकी हरकतों को, अगर आपका बंधा गोभी या बंधी गोभी ऐसी है कट लो फटाक से एकदम। ये जो आज बहू रानी है जो एकदम सुशील बहू बन के पल्ला लेके एकदम कड़ची पकड़ के पहले ही खड़ी है, ये इस टास्क में कितनी मदद करेगी आपको लग रहा है? पूरी
आज देखूंगी बेटा। हाँ? आज देखूंगी बेटा, मतलब वो बोल रही है तो घर पे काम में नहीं करती, मुझे कैसे पता क्या करती होगी। आज देखूंगी वो तो, मैं तुम्हारे साथ मैं भी शौक होंगी। सही में यार, इनको किसी टीवी सीरियल में ले आओ, मैं तो देखूंगी। मेरे को पता है मेरे जैसे बहुत सारे लोग देखने लाएंगे, अंकिता से ज्यादा फेमस हो जाएंगी, अंकिता से ज्यादा पैसे ले आएंगे। अभी विक्की को तो मैंने एक जगह नहलाते देख लिया, मनारा को मतलब नहलाते नहीं देख लिया, लेकिन वॉशरूम में घुसा के मस्त उसको बोला था यार को शावर चालू कर देता हूँ, उसने बोला शावर चालू कर दो, यू मस्त उधर बहुत जबरदस्त वाला चांटा खाएगा तू। ये क्या है? क्या मंगू? ये तो अगर ये सेम बात विक्की अंकिता को बोलता, ईशा अभिषेक को बोली होती, तो मेरे को लगता है सलमान खान एकदम चढ़ जाते हैं कि क्यों कैसे इतनी गंदी बात है ये सब, मतलब पकड़ लेते हैं कि कैसे यार। लेकिन इट्स अंकिता, उसको सेव किया जा रहा है बहुत खतरनाक तरीके से, देखा है मैंने बहुत सारे वीडियोस ऐसे। अपने हो गया। ऑलराइट गाइस, इस वीडियो को करते हैं यहीं पे खत्म। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को कर दो लाइक, चैनल को कर दो सब्सक्राइब, कमेंट्स में बताओ इफ यू वांट अ सेकंड पार्ट, और हम ला देंगे आपके लिए। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ख्याल रखें आप सब अपना।